अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिस इज़ शहजाद शकील। जैसा कि आप देख रहे हैं टॉपिक से, आज हमारे पास टॉपिक्स है मैट्रिक्स से रिलेटेड डेफिनेशंस, तारीफें हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। आपके पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कालिब की इकसाम, इनकी हम डेफिनेशंस देखेंगे एक को एक कर करके, और उनके एग्जांपल्स भी करेंगे हम। तो सबसे पहले है रो मैट्रिक्स, कतारी कालिब। नाम से जाहिर है दोस्तों, देख सकते हैं आप रो मैट्रिक्स या कतारी मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो, ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, तो कौन सा कालिब कहलाता है? कतारी कालिब। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 3-2, 0। आप देखें इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है। इसी तरह अगर कालिब हम लिखें B1, 5, सिर्फ एक ही रो है, दो एंट्रीज हैं, दो कॉलम्स हैं, लेकिन रो एक है, तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह सिर्फ एक ही रो होने से भी इसको हम रो मैट्रिक्स का नाम देंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कॉलमी कालिब या कॉलम कालिब। उसी तरह से होगा अब मैट्रिक्स हैज ओनली वन, अब रो की जगह क्या आ जाएगा? कॉलम्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल होंगे, अगर इन्हीं को हम रो कॉलम्स की शक्ल में दे दें 3-2, 0। अब एक ही कॉलम है आपके पास, रो चाहे जितनी भी हो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, तो ये आपके पास बन जाएगा कॉलमी मैट्रिक्स। इसी तरह B=1, 5, इसको कॉलम की शक्ल दे दें तो ये आपके पास कॉलमी कॉलम बन जाएगा या कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। C=0, इसको अगर हम 1 कर दें, C=1, इसमें भी एक ही रो है, एक ही कॉलम है, लेकिन अगर कॉलम एक है तो इसको हम कॉलमी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अगर कॉलम मैट्रिक्स पूछा जाए तो कॉलम मैट्रिक्स है, अगर रो मैट्रिक्स पूछा जाए तो रो मैट्रिक्स है। ठीक है, नंबर 3 पे आता है कि रेक्टेंगुलर कॉलम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नंबर 3, इसको आप उर्दू में मुस्तिली कालिब कहेंगे। अब रेक्टेंगुलर कालिब में क्या होगा आपके पास? अब मुस्तिली कालिब में या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? इफ इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, इन अ मैट्रिक्स देन दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लेते हैं, मुस्तितीली कॉलम की एग्जाम्पल जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल ना हों, 1, 3, 5, 7, 6, -8। अब नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 एंड 2, नंबर ऑफ कॉलम 3,
इक्वल नहीं है तो मुस्ततील की शक्ल बन गई है। मुस्ततील कॉलम कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह आपके पास बी है, अगर कॉलमी कॉलम हो वो भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें दो और फोर्थ नंबर पे है स्क्वायर मैट्रिक्स, सिंपल है। स्क्वायर मैट्रिक्स मुरब्बी कॉलम, इसमें आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स शुड बी इक्वल। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास स्क्वायर की शक्ल बनाने के लिए नंबर ऑफ रोज एंड मैट्रिक्स को इक्वल रखना पड़ेगा, बराबर रखना पड़ेगा। इफ या व्हेन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर इक्वल्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इन मैट्रिक्स, देन इट इज कॉल्ड। अगर अब देखें इक्वल होंगे तभी आपके पास इक्वल स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, तो इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बी कॉलम। सिंपल सी एग्जांपल्स हैं आपके पास, -1 -2 5 8, मुरब्बी कॉलम बनाने के लिए या स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए आपके पास नंबर रोज़ और कॉलम बराबर होने चाहिए। तो दो रोज़ हैं, दो ही कॉलम्स हैं, वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइंस में दो हैं, वर्टिकल लाइंस भी हमारे पास दो हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरह आपके पास अगर सिंगल हो वन, या सिंगल आपके पास -7, ये भी आपके पास बन जाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बी कॉलम। ठीक है दोस्तों, तो पांचवे नंबर पे है आपके पास नल मैट्रिक, नल या जीरो मैट्रिक्स। उर्दू में कहते हैं सिफरी कालिब। अब नल मैट्रिक्स कौन सा होगा? नल मैट्रिक्स वो है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। सिफरी कालिब कौन सा होगा? वो कालिब जिसमें तमाम अरकान जो हैं सिफर के बराबर हों, तो सिफरी कालिब कहलाता है। यानी सिफर के अलावा उसके अंदर कोई और रुकन ना हो। तो नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, ऑल एंट्रीज शुड बी इक्वल टू जीरो। तो इसकी एग्जांपल्स सिंपल ही लिख सकते हैं, रोज नंबर ऑफ रोज जितने भी हों एंट्रीज शुड बी इक्वल टू जीरो। इसको आप नल वेक्टर। नंबर सिक्स पर है दोस्तों आपके पास नेगेटिव मैक्स मैट्रिक्स या मनफी कॉलम, उर्दू में हो तो मनफी कॉलम। अब नेगेटिव मैट्रिक्स या नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे हासिल करते हैं हम, मैट्रिक्स बनाएं या हासिल कैसे करते हैं? अब मैट्रिक्स इसकी डेफिनेशन होगी, अब मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल एंट्रीज। जो एंट्रीज उसके अंदर मौजूद होंगे उनकी अगर हम साइंस को चेंज कर दें तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा इज कॉल्ड नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, सपोज आपके पास मैट्रिक्स है 1 5 -7 8। अब इसका नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे हम, मनफी कालिब किस तरह बनाएंगे हम? मनफी कालिब बनाने के लिए आप इसके एलिमेंट के साथ माइनस लगाएंगे,
इसके अल्फ़ाबेट के साथ माइनस लगाएंगे और इसकी तमाम इंट्रीज़ अरकान की साइंस को चेंज कर देंगे। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसको हम पॉजिटिव ही करार देते हैं। तो इनके साथ कोई साइन नहीं है, ये पॉजिटिव है फ़िलहाल। नेगेटिव मैट्रिक्स बनाने के लिए अब क्या करेंगे, इनको माइनस बनाएंगे, माइनस वन, माइनस फाइव। अगर ये माइनस में है हम चेंज करेंगे, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस सेवन, और ये एट प्लस का है तो माइनस एट हो जाएगा। तो इस तरह से आप तमाम भी मैट्रिक्स को उनके नेगेटिव मैट्रिक्स बना सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स या रोज़ का इनमें कोई चक्कर नहीं है, जो भी मैट्रिक्स के इंट्रीज़ हैं उनके सिंपली आपने साइंस चेंज कर देने हैं। इस तरह आपसे आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास डायगोनल्स मैट्रिक्स। इसको समझना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। If at least any one of entries of its diagonal is not zero and nine diagonal entries must all be zero। अब एग्जांपल से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा दोस्तों। वो कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो डायगोनल उस मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसके डायगोनल इंट्रीज में से कोई ना कोई इंट्री नॉन ज़ीरो हो और नॉट ज़ीरो हो या नॉन ज़ीरो हो और बाकी जो नॉन डायगोनल इंट्रीज हैं वो तमाम के तमाम ज़ीरो होने चाहिए, तो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। इसकी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। अब मैट्रिक्स में विथ डायगोनल लाइंस कौन सी होती है ये आपने देखना है। टू ज़ीरो 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 फाइव ज़ीरो 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 सेवन, तो ये है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें जो ये वाली लाइन होती है ये आपके पास बनाती है डायगोनल्स को, डायगोनल को शो करता है, और इसके अलावा बाकी तमाम जो इंट्रीज हैं वो नॉन डायगोनल्स हैं। कोई शर्त रखी है कि इनमें से कम एक इंट्री, यानी ये ज़ीरो 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 ज़ीरो, यहाँ पर कोई नंबर होना चाहिए नॉन ज़ीरो। माइनस वन लिखें, प्लस एट लिखें, कोई भी लिखें आपकी मर्जी। तो ये स्क्वायर में भी हो सकता है, ज़ीरो 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 सेवन, इसी तरह आपके पास वन ज़ीरो ज़ीरो सेवन, ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स बन गया या भी त्रि कॉलम बन गया। अब डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड आपके पास और क्वेश्चंस हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये तमाम डेफिनेशन मैं आप लोग इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपके पास एक्सरसाइज 1.2 जो है उसमें ये कुछ तमाम डेफिनेशंस जो है यूज़ हो रही हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहते हैं वाहदानी मैट्रिक्स, वाहदानी कॉलम। तो इसकी डेफिनेशन होगी दोस्तों अ डायगोनल। इसकी इन तमाम की डेफिनेशंस किताब में लिखे हुए हैं दोस्तों, मैंने इसलिए आपको लिख के समझा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में रह जाए कि ये इसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ़ किस्म के बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो किताब में लिखा है उसी को रट लें,
आपने सिर्फ उनका कंसेप्ट लेना है, डेफिनेशंस को खुद भी बना सकते हैं। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स ज़रबी ज़ाती कालेब भी कहते हैं। इफ़ ऑल डायगोनल इंट्रीज आर इक्वल टू वन, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल्स इंट्रीज आर वन, इट इज डिनोटेड बाई वन। ये अब बाई आई आपने ये याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन में आपके पास आएगा कि डायगोनल यूनिट वेक्टर के इक्वल्स प्रूव करें आपके पास। वो बताएगा नहीं यूनिट वेक्टर है क्या या क्या नहीं है, आपने खुद ही याद रखना है कि इसको देंगे तो वन आई से करेंगे, आई इज इक्वल टू। अब इसके स्केयर मैट्रिक्स बनाना है आपने, स्केयर मैट्रिक्स में आप वन ज़ीरो ज़ीरो वन यू बना सकते हैं। अगर आपके पास थ्री कॉलम्स एंड थ्री रोज़ हों तो आप उसके लिए फिर बनाएंगे आई इज़ इक्वल टू वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 वन। ये आपके पास डायगोनल में जो आ रही हैं इंट्रीज वो वन के इक्वल होने चाहिए, बाकी तमाम इंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो भी आपके पास वाहदानी कालेब बनेगा या ज़रबी ज़ाती कालेब बनेगा।